بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, today we will discuss the difference among the key three terms measurement, evaluation and assessment in education. So let's start and discuss these three terms. It is to clear the difference between assessment, measurement and evaluation. Discuss karte hain. First of all, measurement. Measurement sabse pehle inme aata hai. So it is simply refers at the process of assigning numbers. Pehli jo baat इसमें समझने वाली है मेजरमेंट के हवाले से, तो जो ही मेजरमेंट आएगी तो हम मेजरमेंट किस में करेंगे, नंबर्स में. लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल भी लेते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं जी, उनको किलो के हिसाब से लेते हैं. और अगर हमने कोई कपड़ा वगैरह खरीदना है तो उसमें भी नंबर गेम होती है, नंबर के हवाले से होता है कि इतने किलो दे दें, इतने मीटर दे दें, इतने. तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जहां भी मेजरमेंट का आएगा कॉन्सेप्ट, वर्ड आएगा, तो वहां पे आपने सिंपली ये कर लेना है कि ये नंबर गेम है, ये नंबर से रिलेटेड है, ये कुछ सिंबल्स हैं टू ऑब्जेक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक थिंग्स अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स, के जो आपने रूल सेट कर लिए हैं. जैसा कि हमारे यहाँ इधर जो है माल्टे वगैरह और ये चीजें जो है ये किलो में दी जाती हैं, एक रूल सेट है कि हम दुकानदार के पास जाएंगे और सिंपली उसे कहेंगे कि भाई हमें इतने किलो माल्टे चाहिए, वो दे देंगे. लेकिन जो ही हम लाहौर की तरफ जाते हैं या इससे आगे कुछ शहरों में जाते हैं तो वहां पे एक रूल सेट है, वो कहते हैं जी माल्टे वगैरह जो है ये हमने किलो में नहीं देने, ये हमने नंबर्स में देने हैं कि आधी दर्जन है, दर्जन है, चार है, पांच है, ये एक किलो की. तो सो हम सिंपली कह सकते हैं कि मेजरमेंट जब भी होगी ये नंबर्स की फॉर्म में, क्वांटिफाइड पैरामीटर्स पे होगी. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज यूज्ड टू कैटेगराइज और क्वांटिफाई वेरिएबल्स. अगर रिसर्च की बात करते हैं, रिसर्च के हवाले से आपका आता है तो ये आपको प्रोवाइड करता है नंबर्स कि आपने लेट्स सपोज यू आर मेकिंग अ रिसर्च एंड उसमें आपने अपना एक क्वेश्चनेयर यूज किया है और उसमें आपने 5-point Likert स्केल यूज किए हैं. 5-point Likert स्केल जब यूज कर लिए हैं तो अब आपने डाटा पुट करना है, रॉ डाटा कलेक्ट हो गया आपको और आपने उसका एनालिसिस करना है. तो एनालिसिस के लिए जब आप SPSS में या MS Excel में जाएंगे तो वहां पे आप क्या करेंगे कि जो स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है उसको एक नंबर देंगे, जो डिसएग्री है उसको दो नंबर देंगे, जो अनडिसाइडेड है उसको तीन नंबर, और जो एग्री है उसको चार नंबर, और जो है स्ट्रॉन्गली एग्री है उसको पांच नंबर देंगे. तो इस तरह से आप इन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को आप नंबरिंग गेम में ले आएंगे, नंबरिंग में आप इनको क्वांटिफाई कर लेंगे, नंबर्स में तब्दील कर देंगे इन कैटेगरीज. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स टू क्वांटिफाई इंडिविजुअल्स अचीवमेंट, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, हैबिट्स एंड स्किल्स लाइक दैट. आप अगर अचीवमेंट्स की ही बात करते हैं, हम एक सिंपल वर्ड्स बोलते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में, कि हम कहते हैं जी के ये स्टूडेंट्स की बड़ी अचीवमेंट है. क्या अचीवमेंट है जी, ये हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है. फर्स्ट जो होता है ये मेजरमेंट आ गई, ये क्वांटिफाई हो गया. अब जी दूसरा एस्पेक्ट जो हम इसका डिस्कस करते हैं, ये बच्चा बड़ा बेहतरीन अचीवमेंट्स पढ़ी, क्या अचीवमेंट्स हैं जी, कि ये इस हर क्लास में मोर देन 80% मार्क्स है. ओके गुड. इसी तरह से हम और भी बहुत सारे मतलब मेजरमेंट के हवाले से टूल्स, पर्सनालिटी के हवाले से आ जाए, A1 पर्सनालिटी है. सो वी मेक क्वांटिफाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स
और द अचीवमेंट्स सर हम पर्सनैलिटी को कैसे, मतलब अगर पर्सनैलिटी के हवाले से देखें तो उसमें मेजरमेंट कैसे होगी सर? एंड इट इज परफॉर्म्ड ऑन फिजिकल वर्ल्ड बाय ऑब्जर्वर्स। तो सर इसका पर्सनैलिटी को मेजरमेंट कैसे होगी पर्सनैलिटी की? मेजरमेंट की वो ये है कि ये ऑब्जर्वेबल फेनोमिना होता है, नजर आ रहा है आपको, यू कैन ऑब्जर्व इट। हियर इंफॉर्मेशन कलेक्टेड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ थिंग्स कैन बी डिटरमाइंड एंड डिफरेंशिएटेड। इनमें आप चीजों को डिफरेंशिएट, मुख्तलिफ चीजों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन की, उस डाटा की बुनियाद पे जो कि कलेक्ट हुआ है। नाउ दैट्स ऑल अबाउट द मेजरमेंट। नाउ गोइंग टुवर्ड द एवेल्युएशन। एवेल्युएशन ये क्वालिटी को जाहिर करता है, जिस तरह से मेजरमेंट क्वांटिटी को जाहिर करता है, एवेल्युएशन क्वालिटी को जाहिर करता है। इट इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड अ सीरीज ऑफ स्टेप्स सच एज एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्टिंग इंडिकेटर्स एंड कंपेयरिंग डाटा विद ऑब्जेक्ट्स। मेनली आप एवेल्युएशन जब कर रहे होते हैं, एवेल्युएट कर रहे होते हैं, तो आप उन ऑब्जेक्टिव्स को देख रहे होते हैं जो कि आपने सेट किए हुए हैं, या वो लोग जो कि आपकी फील्ड के स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने वो ऑब्जेक्ट सेट किए होते हैं, और आप उनको अचीव करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट असेसमेंट टूल्स, डिफरेंट मेजरमेंट टूल्स इस्तेमाल करते हैं ताकि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। सो वी कैन से दैट टू द प्रोसेस ऑफ क्वालिटी। द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एवेल्युएशन इज दैट इट इज कंसर्न विद मेकिंग जजमेंट्स ऑन द वर्थ और वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस टू आंसर क्वेश्चन। हमारे एकेडमिक सर्कल की मैंने आपको एक मिसाल पहले दे दी कि एट द फर्स्ट टाइम व्हेन द टीचर एंटर्ड टू द क्लासरूम एंड ही ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट लुक इन द एट द फर्स्ट ग्लांस ही ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स ही नोटिस द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स ही सी द सिटिंग पोस्चर्स ऑफ स्टूडेंट्स। वो कैसे बैठे हैं, कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, क्लास के हवाले से उनकी अटेंशन कैसी है, वो क्लास में कैसा फोकस कर रहे हैं, इन सारी चीजों को टीचर देख लेता है और उसी टाइम वो एक अवेल्युएशन कर लेता है, चीजों को अवेल्युएट कर लेता है रिगार्डिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, रिगार्डिंग देयर इंटरेस्ट टू अटेंड द क्लास, रिगार्डिंग टू द टू देयर अटेंशन ड्यूरिंग द लेक्चर, कि वो लेक्चर को किस ईमानदारी से सुन रहे हैं, कितने गौर से सुन रहे हैं, इन सारी चीजों को टीचर पहले ही क्लास में नोटिस कर लेता है। और इस नोटिस के नतीजे में क्या होता है कि जब आपकी मेजरमेंट होती है कोई फॉर्मेटिव असेसमेंट के तौर पे, आपकी असाइनमेंट्स आपको असाइन की जाती हैं या क्विजेस आपसे लिए जाते हैं इन द फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो उसके दौरान में जो आपने लिखा होता है या जो आपकी परसेप्शन होती है उस टॉपिक के हवाले से, टीचर उसको असेस भी कर रहा होता है, उनकी मेजरमेंट भी कर लेता है और उसमें एवेल्युएशन भी ऐड कर लेता है कि भाई ये स्टूडेंट जो है ये सीरियस नहीं थे लेक्चर में और ये स्टूडेंट सीरियस थे, तो जहां पे लैक आ रही होती है उनको बैलेंस करने के लिए फिर वो आपकी मेजरमेंट के तौर पे आपके जो मार्क्स हैं वो आपकी उस वैल्यूएशन और मेजरमेंट दोनों को मिला के। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमिन द एक्सटेंट टू विच स्टूडेंट्स अचीव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अब वैल्यूएशन पहले दिन हो गई थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हर रोज हर जो लेक्चर आएगा उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो टीचर इस बात को भी एवेल्युएट करेगा ड्यूरिंग द क्लासरूम असेसमेंट स्ट्रेटजीज कि ये स्टूडेंट किस हद तक उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है। वो कोई क्लास में सवाल करेगा
अपने उस लेक्चर से मुतालिक, और स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का भी पता चल जाएगा कि वो कितने अटेंटिव हैं इस लेक्चर को सुनने में और उन्होंने किस हद तक इसको सुना भी है. इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डिटर्मिन द आउटकम्स ऑफ लर्निंग. तो ये बजाय इसके कि आप वो 3 माह का हफ्तावार या महीने का टेस्ट लेके उसको उसकी मेजरमेंट करें और उसको उसकी रैंकिंग देखें, तो टीचर जो है वो ड्यूरिंग द लेक्चर ही उनको एवेलुएट करके उनका एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के हवाले से स्टूडेंट्स को एवेलुएट कर लें. नाउ कम द असेसमेंट. असेसमेंट के हवाले से एक जो जनरल बात है, जो एक कह लें रूल हम कह सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि टीचर जो है वो जब मेजरमेंट करे और अवेल्युएशन कर रहा हो, तो ये जो असेसमेंट है ये दोनों प्रोसेस को शो करती है, जो कि स्टूडेंट्स जो हैं लेक्चर भी कर रहे हैं और इन द फॉर्म ऑफ देयर टेस्ट, वेदर इट इज द फोर्टनाइटली टेस्ट और द मंथली टेस्ट, ट्राइमेस्टर टेस्ट और 6 मंथ टेस्ट और एनुअल टेस्ट. इस फॉर्म की तो पूछ रहा था दस्ती शादी में. अच्छा दस्ती में करनी है ना, सत्ती को नहीं है ये ना जाम बैम उठना शाम उन फोन करो ना. आप मैं इस डी प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग दैट मोटा याद है तो मैं बात यहाँ ना देखो मैं रिसीव कर ली मेजरमेंट फोन करना. और जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट से तो डेफिनेटली हमारे सामने एक वाज़े तौर पे खुल के आ जाती है. ये कह लें कि ये दोनों चीजें जो हैं उसमें एक ही जगह आ जाएंगी, ऑब्जर्वेशन भी और मेजरमेंट भी. तो ऑब्जर्वेशन चूंकि एक एवेल्युएटिव पर्सपेक्टिव है, एक इसमें आपकी एवेल्युएशन हो रही है, टीचर एवेल्युएट कर रहा है आपको, तो ये आपके उस एंड पे एवेल्युएशन के एंड पे भी आ जाएगी. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूडिंग असेसमेंट एंड अ टेस्ट इज अ फॉर्म ऑफ असेसमेंट टू. तो इस असेसमेंट में एक ये भी आ जाता है कि हम कोई शॉर्ट टेस्ट लेते हैं या बड़े टेस्ट लेते हैं, तो उनमें भी ये एक मिनट ये मैं एडमिट कर लूं इनको, ये कुछ लोग आए हैं. Okay, so through this evidence of students' achievement can be obtained and evaluated. Also, it collect information with respect to objectives or goal. जो सबसे अहम बात हमने evaluation में देखी वो ये है कि इसमें हमने objectives set करना होते हैं अपने, और उन objectives के accordingly हमने अपने tasks को, अपने जो काम है, अपने जो एक्टिविटीज हैं, उनको मैनेज भी करना है और उनको देखना है टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव वी टू बी सक्सेसफुल इन अचीविंग दिस टास्क. तो अगर तो हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं तो इट मींस के हमारी इवैल्यूएशन अचीव होते हैं. अगर ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते तो देन हमें हमारी इवैल्यूएशन ये बताएगी कि इसको रिपीट किया जाए, इसको दोबारा दोहराया जाए.